चाहती हूँ कि मैं नाइन्थ में पढ़ती थी, जब मेरे पति ने मेरे पढ़ाई करवाई थी, ये सेकेंड ईयर की थी। फिर मेरे पति बीमार होने के कारण फिर मैंने पढ़ाई छोड़ दी। मेरे पति की स्थिति कमजोर होने के कारण मैंने पढ़ाई छोड़ दी। फिर मेरे 5 साल की बेटी है, तो फिर मेरे पति ने 3 साल तो बीमार रहे, फिर बीच में थे उसकी मृत्यु हो गई है। 2018 को उसकी मृत्यु हो गई है। मेरी एक बेटी है 5 साल की, हम 3 माह का मेरा बेटा है। तो फिर मैंने पढ़ाई छोड़ दी। अब मैं कैसे घर की स्थिति कैसे चलाऊँगी, मैं ये सोचती हूँ कि मछली को फिर फैमिली पेंशन चालू करवा, जैसे कि हमारी घर की स्थिति अच्छी तरह से चले और हमारा घर का परिवार अच्छी तरह से जमते चले, मेरे बच्चे को अच्छी तरह से आगे पढ़ाई करे और हम उसका भविष्य अच्छी तरह से रहेगा। फिर मैं यह सोचना चाहती हूँ कि मैं कैसे बच्चों को लालन पोषण करूँगी। मैं बी ए सेकेंडर कर ली है, फिर मैं ये सोचती कोई किसी प्रकार का जो भी मुझे मिलना चाहिए कि मेरी बच्चों का पढ़ाई अच्छी तरह से सही ढंग से चला पाऊँगी। लेकिन मेरे ससुराल वाले पहले मेरे इतने लाइन में पढ़ाई करवाई थी, मुझे इतना दुख हुआ, मेरा पति चला गया, मुझे बहुत दुख हो रहा है। मेरे पति बहुत अच्छे थे, फिर मेरे छोड़ गए। अब मैं कुछ भी नहीं करता था, लेकिन मुझे यही दुख होता है कि मैं बच्चों का कैसे लालन पोषण करूँगी। मैं ये सोचना चाहती हूँ आर्थिक स्थिति में सभी भाई और बहनों को भी अच्छी तरह से उसको फायदा मिलना चाहिए। और मैं आगे यही बताना चाहती हूँ कि मेरा सभी भाई और बहनों का घर का सही ढंग से अच्छी तरह से चल पाए।